Good morning, students. Today we are continuing our lesson, our seventh chapter, geometry, plane and solid shapes. Okay. In previous video we have learned what is plane shapes, right? Plane shapes में कौन से कौन से होते थे? Triangle, rectangle, square, है ना? Square होता था, circle होता था, right? वो सारे क्या थे? Plane shapes थे, right? Now in this video we are going to learn what is solid shapes. Solid shapes क्या होते हैं वो आज हम सीखेंगे, okay? Okay. Solid shapes क्या है? A cube, a cuboid, a cube, a cylinder, a cone and a sphere are all solid shapes. Means जो cuboid है, cube है, cylinder shape का है, वो cone एंड स्पियर शेप, वो सारे क्या है? सॉलिड शेप्स. ये हम इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते. प्लेन शेप्स क्या था? हम इजीली ड्रॉ कर सकते थे, राइट? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड अ स्पियर आर ऑल सॉलिड शेप्स. क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में फर्स्ट क्या है? अ क्यूबॉइड हैज सिक्स प्लेन फेस एंड 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस. इट्स ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, है ना? अ क्यूबॉइड हैज सिक्स प्लेन फेस. सिक्स प्लेन फेस मीन्स जैसे क्यूबॉइड के मैच बॉक्स आपने देखा है, वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है. मीन्स ऐसे होता है ना, स्क्वायर शेप जैसा नहीं होता पूरा, उसके लेंथ और ब्रेथ लेंथ बड़ा होता है ना. जैसे आपने ईंट को देखा हो, ब्रिक, है ना, घर जैसे बनाते हैं ना ईंट, वो भी क्या होता है? क्यूबॉइड शेप का ही होता है ना. अभी देखो सिक्स प्लेन फेस है, कहाँ से देखो कैसे? ये वन हुआ, ये वाला पार्ट है ना वन वन, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड भी एक होगा वन, वो टू हो गया, और ये थ्री, और इस साइड भी फोर हो गया, है ना, और नीचे भी फाइव और सिक्स, फाइव एंड सिक्स, है ना. तो सिक्स प्लेन फेस है. अब ट्वेल्व एडजेस, एडजेस मीन्स आप उसको साइड बोल सकते हो, है ना. साइड्स मीन्स अब देखो साइड्स कौन से, वन ये टू ये थ्री फोर, है ना, फोर है, इसके नीचे भी होगा ये वन टू, वहाँ भी एक थ्री और फोर, है ना, होगा ना, फोर फोर कितना हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हुआ नीचे और ऊपर, है ना, एट. अब यहाँ साइड में देखो नाइन टेन, यहाँ हुआ नाइन टेन, और साइड भी होगा वो टेन अलेवन, और एक ऐसे जा रहा होगा नीचे, देखा अब ऐसे एक नीचे उस साइड भी होगा, है ना, तो कितना होगा ट्वेल्व एडजेस, ट्वेल्व साइड्स, अब साइड्स भी बोल सकते हो. ओके, समझ में आया कैसे 12 एडजेस हुए? देखो ये वन हुआ, अब ई टू, आपको इमेजिनरी रखना है आपके थॉट को, जैसे ये आप सोचो ईट कैसा होता है, आप ऐसा खड़ा रखा है आपने ईट को, है ना, उसके चार ऊपर भी होगा फोर, है ना, साइज वन टू थ्री फोर, उसके नीचे भी होगा वन टू थ्री फोर, तो कितने हुए एट हो गए, राइट, नाइन टेन, ये वाला लाइन नाइन टेन, और इस साइड भी होगा इलेवन ट्वेल्व, समझ में आया, ट्वेल्व एडजेस्ट होंगे. वर्टेस मीन्स क्या होते हैं? जो दो लाइन सेगमेंट ज्वाइंट होते हैं उसको हम वर्टेस बोलते हैं, राइट. देखो ये दो लाइन यहाँ ज्वाइंट है, वन टू थ्री फोर, और कहाँ नीचे भी ऐसे ही ज्वाइंट होगा फाइव, वहाँ भी ज्वाइंट हुआ होगा सिक्स सेवन, और ये एट, है ना, दो लाइन सेगमेंट जहाँ ज्वाइंट होते हैं उसको हम वर्टेस बोलते हैं, या तो दो आर्म्स ज्वाइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस बोलते हैं, राइट. तो कितने वर्टाइसिस है क्यूबॉइड में? एट वर्टाइस है, सिक्स प्लेन शेप प्लेन फेसेस है, और ट्वेल्व एंड ट्वेल्व एडजेस है. समझ में आया सबको? ओके, नाउ क्यूब, क्यूब, अ क्यूब ऑल्सो हैज सिक्स प्लेन फेस, ट्वेल्व एडजेस एंड एट वर्टाइसिस. ऑल द सिक्स प्लेन फेस आर स्क्वायर्स. देखो स्क्वायर सभी साइड से, सभी आप एंगल प्लेन शेप को देखो, ये प्लेन शेप है, राइट, इसका देखो स्क्वायर है, राइट, यहाँ भी देखो स्क्वायर है, यहाँ साइड में भी देखो स्क्वायर शेप है, राइट. तो उसके सिक्स प्लेन फेस है. प्लेन फेस मीन्स ये वन हुआ, ये टू, है ना, इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ इस साइड भी होगा वन टू, इसके ऑपोजिट भी इस साइड होगा, राइट, वन टू थ्री, यहाँ भी होगा फोर फाइव, इसके ऑपोजिट भी नीचे होगा फाइव, यहाँ सिक्स, तो सिक्स प्लेन फेस हुआ. ट्वेल्व एडजेस, एडजेस आप साइड को भी गिन सकते हो. ओके, साइड जैसा ही है, देखो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, है ना, फोर है ऊपर तो नीचे भी फोर होगा, है ना, यहाँ भी वन
टू, और यहाँ भी अब जस्ट शुगर क्यूब को दिखा है अपने, अब जस्ट उसको इमेजिन करो कैसा होगा शुगर क्यूब, वहाँ भी एक योग है ना ऐसा, तो यहाँ कितना हुआ 1 2 3 4, तो नीचे भी 4 होगा 1 2, इस साइड ऑपोजिट भी होगा ना, इस साइड ऑपोजिट उस साइड भी होगा, तो कितना होगा 4 4 8 हो गया, ये 9 10 11, और उस साइड भी 12 होगा, है ना। वर्टाइस मीन्स क्या होता है, जहाँ दो लाइन जॉइंट होते हो, देखो यहाँ ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 है ना, उसके नीचे भी 4 होगा 5 6 7, और वहाँ भी 8 है ना, क्योंकि वहाँ भी लाइन जॉइंट होता होगा ना दो लाइन, तो क्या होगा कितने वर्टाइसेस हैं 8 वर्टाइसेस। ओके नाउ सिलेंडर, अ सिलेंडर हैज टू प्लेन फेस एंड वन कर्व्ड फेस। टू प्लेन फेस मीन्स ये प्लेन फेस होगा, क्योंकि अब प्लेन नहीं होगा तो वो कैसे सिलेंडर, अब सिलेंडर या तो ड्रम या तो गैस बोतल का जो होता है अपना सिलेंडर होता है ना, उसको भी आप देख सकते हो नीचे और ऊपर क्या होता है प्लेन होता है ना ही, कौन शेप का नहीं होता, कौन शेप का होता है तो कैसे हम रखते नीचे राइट, वैसे से हिल जाता राइट, तो क्या होगा प्लेन शेप, यानी उसको हम अच्छे से रख सकते हैं ठीक से रख, वो एक बार रखने के बाद वैसे हिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा प्लेन होगा है ना, ना ही टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो कैसे खड़ा रहेगा सिलेंडर सब है ना, तो प्लेन शेप का होगा, तो उसके दोनों साइड क्या होंगे प्लेन शेप, प्लेन फेस होगा, यानी ये एक हुआ एक, यानी टू प्लेन फेस है राइट, और वन कर्व्ड फेस मीन्स ये पूरा क्या होगा कर्व्ड होगा, मीन्स ऐसे 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 कर्व्ड होगा। ओके ओके समझ में आया, ऐसे आप सिलेंडर को ही देख लो, अपने गैस बॉटल जो होता है सिलेंडर है ना, उसको ही आप इमेजिन करके देखो, या तो आपके घर पे होगा ना है ना, तो वो जाके देखो आप कैसे, ये जब वीडियो स्टॉप करके आप जाके देखो तो उसके ऊपर और नीचे प्लेन फेस होगा, प्लेन प्लेन होगा, क्यों क्यों प्लेन होगा, क्योंकि वह जैसे ऊपर नीचे होगा तो कैसे खड़ा रहेगा नीचे है ना, स्टेबल होके कैसे खड़ा रहेगा, इसलिए वो क्या होगा नीचे और ऊपर क्या है प्लेन सरफेस होगा इसलिए है ना, और उसके जिस साइड में देखो पूरा ऐसे गोल होगा है ना, समझ में आया आपको, कर्व्ड फेस होगा उसका। ओके और उसके कोई भी वर्टाइसेस नहीं है, क्योंकि इसमें तो लाइन यही है, ये दोनों तो कर्व्ड फेस है, कर्व्ड है ना, सर्कल जैसा है इसलिए, इट हैज नो एजेस एंड नो क्या सॉरी इट हैज टू एजेस एंड नो वर्टाइस, इसके टू एजेस है, कौन से एजेस हैं, एजेस कौन से होंगे, ये 1 2 है ना, और नो वर्टाइस कोई भी टू, दो आर्म कहाँ जॉइंट होती है, तो सर्कल से राइट। नाउ नेक्स्ट कोन, कोन कोन आपने आइसक्रीम का कोन देखा है, नीचे आइसक्रीम का कोन है ना, ऊपर आइसक्रीम होता है नीचे कोन होता है राइट, कोन हैज वन प्लेन फेस होता है, वन प्लेन फेस मीन्स देखो ये वाला जो होता है वो क्या होता है प्लेन होता है ना, इसके जैसे नॉक जैसा थोड़ी होता है राइट, इसको हम सर पे भी रखते तो कैसे होता है कोन नहीं होता अपना सॉरी बर्थडे के दिन बर्थडे हैट इस शेप में होता है राइट, ये ऐसे शेप नीचे क्या होगा ऐसे सर्कल शेप होगा, उसको हम अपने सर पे भी रख सकते हैं राइट, तो ये क्या होगा प्लेन फेस होगा। ओके फिर ये क्या है कर्व्ड फेस, और ऊपर कैसा होता है ऐसे गोल घुमा होता है, आप आइसक्रीम का कोन देख लो, आइसक्रीम बहुत खाते हो ना इसलिए आइसक्रीम सोच के दिखा, आइसक्रीम का कोन ऐसे गोल होगा है ना, समझ में आया आपको कैसे होता है, तो वो ये क्या होगा गोल होगा है ना, तो कोन शेप में होगा और कर्व्ड फेस इसको बोलते हैं हम। इट ऑल्सो हैज वन एज एंड इट हैज वन एज एंड वन वर्टाइसेस, इसके एक एज है और वन वर्टाइस, तो देखो यहाँ दो लाइन जो जॉइंट होती है उसको वर्टाइस बोलते हैं। ओके स्पीयर, स्पीयर यानी क्या होता है राउंड शेप का होता है, स्पीयर हैज ओनली वन कर्व्ड फेस, बस कर्व्ड फेस ही है और नो वर्टाइस एंड नो एजेस, की कोई भी एज नहीं है, देखो कहीं भी दो लाइन जॉइंट हो रहे लाइन तो है ही नहीं, तो उसको मतलब इट हैज नो वर्टाइस एंड नो एजेस। ओके और ये इसका एग्जांपल कैसे बॉल हुआ, टेनिस बॉल हुआ, वो सारे क्या है अपना अर्थ है, वो भी स्पीयर शेप का है राइट, वो सब क्या है स्पीयर शेप की है। ओके इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके देखो देखो ये रहा, देखो ये क्यों कौन से शेप में है, क्यूबॉइड शेप में, मैच बॉक्स है ना, ये अपना डाइस है ना, ये डाइस कौन से शेप में, देखो क्यूब के शेप में राइट
है ना, इसके सारे साइड, इसके सारे फेस देखो, प्लेन फेस देखो, स्क्वायर किस में है, राइट, यहाँ देखो ये स्क्वायर किस में, इसका मतलब ये क्या है, क्यूब के शेप में, राइट। और यहाँ देखो ये वाला ग्लास, ग्लास किसके शेप में, सिलेंडर शेप में, देखो इसके नीचे फ्लैट होगा, ऊपर भी फ्लैट होगा, और जो इसके साइड में है वो क्या होगा, ऐसे कर्व्ड होता है ना, नीचे सैंडविच, सैंडविच एक इसमें है ट्रायंगल के शेप में, राइट। ओके नाउ एक्सरसाइज टू, अब आपको इसमें क्या करना है, कंप्लीट करना है टेबल को। देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्यूब बॉय, क्यूब, क्यूब शेप का है, राइट, ये इसको क्या बोलते हैं, हम डाइस बोलते हैं ना, सांप सीढ़ी में स्नैक एंड लेडर है ना, उसको जब खेलते तो उसमें डाइस आते हैं, वैसे ही है, राइट। डाइस कितने, कौन से शेप में होता है, क्यूब के शेप में होता है। ओके नाउ नंबर ऑफ प्लेन शेप, प्लेन फेस, प्लेन फेस क्यूब में कितने प्लेन फेस थे, 6 है ना, कौन से थे, ये 1, ये 2, 3, ये 1 के जस्ट नीचे भी होगा, इसके ऑपोजिट 1, 2 है ना, यहाँ इसके ऑपोजिट भी होगा, इसके ऑपोजिट भी इस साइड होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ कर्व्ड फेस, इसमें कर्व्ड फेस है नहीं है, राइट। नंबर ऑफ एडजेस, कितने एडजेस में, 12 एडजेस, मैंने बताया था एडजेस मीन्स आपको साइड को ही गिनना है, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसके नीचे भी होगा ऐसे 4, तो 8 हो गए, 9, 10, 11, तो साइड भी हो गए 12। नंबर ऑफ वर्टाइसेस, वर्टाइस कितने थे, जहाँ दो लाइन जॉइंट होते हैं उसको वर्टाइस बोलते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, और साइड भी होगा नीचे है ना 8। अब नंबर ऑफ प्लेन शेप, प्लेन फेस, इसमें नंबर ऑफ प्लेन फेस है, ओके नंबर ऑफ प्लेन फेस, इसमें प्लेन फेस कहाँ था, ये कौन सा शेप है, स्पेयर शेप है, राइट, इसमें प्लेन फेस नहीं है। नंबर ऑफ कर्व्ड फेस, कितने कर्व्ड फेस, इसमें 1 कर्व्ड फेस है, राइट। नंबर ऑफ एडजेस, एडजेस है नहीं है, नो एडजेस। नंबर ऑफ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस भी नहीं होते इसमें है ना। अब ये कौन सा शेप का है, देखो ये कौन शेप का है, राइट, कौन शेप में, नंबर ऑफ प्लेन फेस, प्लेन फेस है कौन शेप में, हाँ है ना, ऊपर जो ऊपर होता है यहाँ वाला, ये प्लेन फेस होता है, तो 1 प्लेन फेस है। नंबर ऑफ कर्व्ड फेस, कर्व्ड फेस है इसमें, कर्व्ड फेस है ना, तो वो भी 1 है। नंबर ऑफ एडजेस, नंबर ऑफ एडजेस कितने एडजेस होंगे, 1 एज है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस भी कितने हैं, 1 वर्टाइस है। ओके नाउ नेक्स्ट, देखो ये कौन से शेप का है, देखो इसके ऐसा साइड प्लेन फेस को देखो, ये रेक्टेंगल जैसा है ना, तो ये कौन सा है, क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड फेस है ना, क्यूबॉइड फेस का है। देखो ये नंबर ऑफ क्यूबॉइड फेस में कितने फेस थे, प्लेन फेस कितने हैं क्यूबॉइड फेस में, देखो 1, यहाँ इसके ऑपोजिट होगा 2, इसके ऑपोजिट भी होगा है ना 1, 2, 3, 4, और नीचे भी 5, और ये ऊपर 6। नंबर ऑफ कर्व्ड फेस, इसमें कोई कर्व है नहीं है ना। नंबर ऑफ एडजेस, एडजेस मीन्स क्या होता है, साइड को गिन लो, 1, 2, 3, 4, ऐसे नीचे 4 होगा, 8 हुआ, 9, 10, 11, और यहाँ भी 12 होगा, सॉरी 12, नो कर्व्ड फेस है ना 12। नंबर ऑफ वर्टाइस, वर्टाइस मीन्स दो लाइन कहाँ जॉइंट होते, 1, 2, 3, 4, और यहाँ भी 5, 6, और यहाँ अंदर उस साइड भी होगा नीचे है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उस साइड भी नीचे होगा 8। ओके ओके नाउ दिस, अब ये देख रहे हो ये कौन सा शेप में, सिलेंडर शेप में, राइट। अब देखो सिलेंडर शेप, नंबर ऑफ प्लेन फेस, प्लेन फेस कितने इसका, यहाँ भी प्लेन फेस होगा, उस साइड भी प्लेन फेस होगा, ओके 2 प्लेन फेस है। नंबर ऑफ कर्व्ड फेस, इसका कर्व्ड फेस कितना है, 1 है, राइट। नंबर ऑफ एडजेस, एडजेस है सिलेंडर में, है राइट, 2 एडजेस है, राइट। नंबर ऑफ वर्टाइसेस, वर्टाइस है कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, दो लाइन जॉइंट हो रहे हो, दो लाइन नहीं है, राइट, नो वर्टाइसेस। ओके ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रिज्म, अ सॉलिड शेप्स दैट हैज टू पैरेलल and identical ends and all the flat face is called a prism, okay।
अ शेप ऑफ द एंड गिवन द प्रिज्म अ नेम. एग्जाम्पल देखो, ये एक प्रिज्म है राइट, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है. इसमें देखो कितने प्लेन वर्टाइजेस का देखते हैं अपन. वर्टाइज कितने हैं इसमें? वर्टाइज मीन्स क्या था? दो लाइन जॉइंट हो, लाइन्स जॉइंट होते हैं उसको हम वर्टाइज बोलते थे. यहाँ भी ये वन, यहाँ टू, थ्री है ना, यहाँ भी होगा फोर, यहाँ भी लाइन जॉइंट है फाइव सिक्स. तो कितने वर्टाइज है? सिक्स. अब फाइव फेस, फाइव फेस मीन्स ये वन हुआ है ना, उसके ऑपोजिट यहाँ भी एक होगा है ना टू, यहाँ भी इस साइड थ्री और ये फोर है ना. अब कौन सा होगा? फोर. और नीचे भी होगा फाइव, फाइव फेस. नाइन एडजेस, एडजेस आपको साइड जैसा ही देखना है. देखो वन टू थ्री है ना, फोर फाइव, और वहाँ उस साइड भी होगा सिक्स राइट, सेवन एट और ये नाइन. सिंपल है राइट. नाउ पिरामिड, पिरामिड आपने देखा होगा इजिप्ट में, आपने एसएससी है तो इसमें देखा होगा है ना. लुक एट द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट में पिरामिड्स को आपने एसएस में सब पढ़ा होगा है ना. दे आर स्क्वायर पिरामिड्स बिकॉज देयर बेस इज स्क्वायर. क्योंकि इसको हम स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसका बेस क्या है? स्क्वायर शेप का है. इसलिए अ सॉलिड शेप मेड बाय कंटेनिंग अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस टू एन अपेक्स इज कॉल्ड एज पिरामिड. ओके, नाउ देखो स्क्वायर पिरामिड में कितने वर्टाइजेस हैं? फाइव है, देखते चलो. वन है ना वर्टाइज मीन्स जहाँ जॉइंट होते हैं लाइन्स, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, लाइन्स जॉइंट हो रहे हैं देखो यहाँ पे है ना, फाइव, फाइव वर्टाइजेस है. फेस, ये फेस ये वन हुआ टू, और यहाँ इस साइड भी होगा ना थ्री, साइड भी होगा फोर, और नीचे क्या होगा? फाइव. अब एट एडजेस है, एडजेस मीन्स आपको साइड ही देखना है. ये वन टू थ्री है ना, ये फोर फाइव, और नीचे भी सिक्स, और ये सेवन है ना, और ये एट. तो एट एडजेस है, और इसको क्या बोलते हैं? हम एपेक्स बोलते हैं. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज अस फिलिंग द ब्लैंक्स. अ स्क्वायर पिरामिड हैज डैश एज. स्क्वायर पिरामिड में कितने एडजेस थे? देखो स्क्वायर पिरामिड में कितने एडजेस थे? एट एडज है ना, तो क्या आएगा? एट. अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज डैश वर्टाइज. रेक्टेंगुलर प्रिज्म के पास कितने वर्टाइजेस हैं? देखो वर्टाइज रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ना, ये देखो रेक्टेंगल शेप का राइट, यहाँ भी ये रेक्टेंगल है ना यहाँ. ओके, तो कितने वर्टाइजेस हैं? सिक्स. अ स्क्वायर पिरामिड हैज डैश फेस. स्क्वायर पिरामिड के पास कितने फेस है? देखो स्क्वायर पिरामिड के पास फाइव फेस. अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज, प्रिज्म हैज डैश एडजेस. रेक्टेंगुलर पिरामिड के पास कितने एडजेस है? देखो नाइन एडज है, तो नाइन हैज नाइन एडजेस. ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. मेंटल मैथ्स कॉर्नर यू हैव टू डू. ओके ओके ओके, इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड दिस टर्म टू है ना. टर्म टू के सारे चैप्टर्स हमने कम्प्लीट कर दिया राइट. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडल टेस्ट पेपर. ओके, तब तक के लिए आपको सभी लेसन्स अच्छे से रिवाइज करके आना. ओके, तो मैं आप ये मॉडल पेपर करवाऊँगी. ओके ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग. इफ देर इज एनी डाउट यू कैन मैसेज मी. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग चिल्ड्रन.